आई तुम बैठ पटे पर और बुढ़ जी गड़ रही वापस साथ चल जा जानो पटे अच्छा अच्छा कौन से गाड़ी। नमस्कार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास चैनल में जिसका नाम है बोलते पहाड़, जिसमें आप आनंद उठाते हैं वीडियोस का हर रात को 9 बजे। राज बुढ़ जी घर जाने लगी, बुढ़ जी घर जा रही है आज वापस अपनी नौनियों के पास, उनकी लड़की के पास आज घर जा रही है वापस। नेटी नहीं है, राजी भाई मैं और बुढ़ी जी साथ जा रहे हैं वो सर। गाइस बाय गाइस बाय गाइस, तो देखिए इस वीडियो को टिल द एंड। कल की वीडियोस के टॉप 5 कमेंट्स पूजा मथवाल जी, कंवर चंद जी, स्नेहा तिवारी जी, संजू रौतेरा जी और कोमल भट्ट जी और एक और हैं शशिकांत सगलानी जी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द फास्टेस्ट कमेंट। बुढ़ी जी आप कब आओगे वापस फिर? परसों नरसों ना, चलो हम आपका इंतजार करेंगे तब। यस आज आज आप अपनी नानी से मिलोगे, आज आज आप नानी से मिलने का मौका मिलेगा। हाँ बड़ी चांदी का कतरा बढ़िया होना, चांदी का कतरा अच्छा लगना। आज पूर्णिमा, अच्छा पूर्णिमा से ना, वाह चांद बहुत प्यारा है। कब बुद्ध पूर्णिमा का? अरे तुम ऐसे घर गए, चलो बुढ़ जा जाओ मैं सबसे पहले जवाई दिखेंगे नाचते हम। चलो 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 मामा जी नमस्ते, अब आपके हवाले कर रहे हम। घबराने की बात नहीं है, बुढ़ी जी मतलब वापस आ जाएंगी 2-3 दिन बाद हमारे पास, लेकिन ये तब तक के लिए मतलब अपनी बेटी के पास जा रहे हैं इस टाइम के लिए। नहीं सचिन होगा शायद अंदर मेरे, क्या सचिन भाई अब तुम्हारे तुम्हारा और ख्याल रखना है बुढ़ी जी का। सचिन ने मुझे दिया स्पेशली स्ट्रॉबेरी का पौधा, थैंक यू सो मच मामा जी मेरे पीछे की तरफ। और ये सचिन जो मेरे साथ था इस टाइम पे, और सचिन की ये क्या लगती है नानी जी, अपनी नानी जी जैसे मेरे अपने बुढ़ जी, लोगों तो नहीं पता ना। ठीक है सचिन ओके बाय, चलो चलो चलो। ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है जो सचिन ने दिया और हमने इसको लगा दिया यहाँ पे, भी जो भी ग्रोथ होगी इसकी आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम रखा है, इसका अच्छा रहा नाम चंटोरा नाम रखने जरा इसका, बगीचा बड़ा अच्छा लग रहा है। बुढ़ी जी अपनी बेटियों के साथ है, हम बहुत ज्यादा उनको मिस कर रहे हैं आज, तो बुढ़ी जी वी मिस यू सो मच। मिस कर रहे ना आप उनको? कर रहे हैं पक्का? नहीं हाँ बतियार दिन रहे हैं, बहुत दिन रहे, दो हफ्ता रहे हैं, दो हफ्ता। अच्छा चल कोई नहीं, अब 2-4 दिन में, मतलब 2-4 दिन बाद आ जाएंगे क्यों, तब तक बस क्या करना, गाँव जाना, गाँव जाएंगे भी। हाँ लाइट नहीं आ रही, पता नहीं क्या होगा आज, मेरे साथ कोई नहीं है, बूढ़ी चले गई बुआ जी के पास, तो फिर अब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, यहाँ देखिए इतनी सारी मिर्चियाँ काटी जा रही हैं सब्जियों के साथ, वो भी हरी सब्जी, इतनी सारी हरी सब्जी। आपके बाप गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ डू आई लुक, इतनी बड़ी टोपी देखो मेरी यहाँ। Where do I belong? Oh, yes. So in just few minutes meeting, अभी फिलहाल अभी एक टीवी चैनल के साथ, तो अभी छोटा सेटअप किया मैंने, बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया उसको, ऐसा कर दिया अभी। आज मैं काफ़ी कुछ कवर नहीं कर पाया पूरे दिन की एक्टिविटीज़, क्योंकि आज एक जागर टीवी जो है वहाँ उनके साथ इंटरव्यू था और यही मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो मैं फिर रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाया कुछ भी, तो जब वो रिलीज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा जब रिलीज़ होगा। बहुत अच्छा लगा आज सच में यार, हमारे उत्तराखंड के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं सबके सब, और उनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। इफ़ यू कैन सी दिस, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कौन है, मतलब ये एक फुटबॉल प्लेयर है, एक छोटे से इंटरव्यू के बाद आप बताना कि ये कौन है। ठीक है हाय हेलो, ये भी ब्लॉग में आ गई।
it's time to do some meditation. So finally it's a day time and मेरे पास है इस time पे एक ये छोटी सी script और इसमें हिंदी और गढ़वाली मतलब दोनों में मेरे को ये बोलना है और जो तो बेसिकली एक होम्योपैथिक एक दवाई है उसी का ये एडवर्टीजमेंट है जो कि मेरे को बनाना है. आज का मेन काम यही है बेसिकली मेरा आज. और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा आज अपना माइक जो कि मेरा सच्चा साथी है. ठीक है, तो यही मैं माइक यूज़ करने वाला हूँ उसके लिए. तो बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद तब जाके फिर परफेक्ट आ जाएगा. दबर्स वैसे ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आज एज इन प्रॉपर वॉइस ओवर किसी मतलब जो कूड़े वाली गाड़ी आती है सुबह उसमें ये बजेगा. और हाँ लिटरली, और इससे पहले मैंने इस टाइप के काम एक निर्वाचन आयोग के लिए किया है, मत्स्य पालन के लिए तो मैं बहुत टाइम मैंने किया ही है. बेसिकली वो वाला वॉइस ओवर बहुत डिफरेंट होता है और ये वाला काफ़ी ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है मेरे लिए क्योंकि उसमें जो वॉइस आती है वो काफ़ी वो तो खैर उसका तो मुझे पता है, बस ये वाला थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से एडिट करूँगा वॉइस भी. और मतलब कोई ऑडिट्यून वगैरह मैं कभी यूज़ नहीं करता अपनी वॉइस के लिए, जो है वही रहती है. बस ये कि थोड़ा प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए यार. और देखते हैं बाकी से गढ़वाली भी है हिंदी भी है. तो मैं जैसे ये पूरा एक बार कंप्लीट होगा तो जब एक बार इसका आउटपुट बन जाएगा जब एक अप्रूव भी हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे रहा. ठीक है, जब कूड़े वाली गाड़ी जब उसमें भी जब बजना स्टार्ट होगा तो वो तब तो मैं पक्का दिखाऊंगा आपको. तो बस ये काम करना है मुझे आज. ठीक है, बाकी ये माइक जो मेरे पास है ये है DR05 और ये टास्क कैम का है सिंपली. तो ये 11,000 के अराउंड था जब मैंने लिया था इसको, अब पता नहीं कितने का हो गए. बाकी ये सिर्फ सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो है, बट ये बहुत पुराना माइक है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल काम का तो है बस ये. तो चलो मैं अपने काम करता हूँ, आप लोग भी काम कर रहे होंगे इस टाइम पे दिन में. A few minutes later. बड़ी मुश्किल से भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई और जो भी रिजल्ट देगा भी आपको मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा एकदम से. ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद. बहुत ज़्यादा भूख लगी मुझे, मैं खाना खाऊंगा बस. A few moments later. It's evening time, क्योंकि आज दिन भर काफ़ी सारा काम था. आज बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं इस टाइम बूढ़ी जी को, क्योंकि बूढ़ी और कल रात को मैंने कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड की थी, वो भी बुद्ध पूर्णिमा की, यानी कल मून इक्लिप्स भी था यहाँ से तो नहीं दिखा उसके बाद, क्योंकि यहाँ 7:30 के बाद मतलब मून यहाँ पे राइज होना स्टार्ट हुआ था. तो कुछ मैंने फोटोज भी क्लिक किए हैं, कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप लोग इन्जॉय कीजिए. जैसे कि आपको पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, देखो मेरे पास जो बाइनोकुलर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा. कगेला कहाँ गया मेरी वाली दूरबीन से ऐसे कुछ दिख रहा है चांद अभी, देखा आप लोग, बिग एंड ब्राइट द मून. इस दूरबीन की एक खास बात यह है कि जो बहुत सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं काफ़ी मतलब क्लियर दिखते हैं, और चांद एक्चुअल देखो कैसा लग रहा है यहाँ से इतना दूर और इससे इतना पास जिससे दिख रहा है क्लियरली एकदम. कल जब मैंने स्पेशली वीडियो अपडेट किया था उस पर सबसे पहले है कोमल भट्ट नंबर 1 पे, सेकंड पे हैं यतेंद्र सिंह रावत, थर्ड पे हैं साक्षी रतोड़ी, फोर्थ पे हैं स्नेहा तिवारी जी, फिफ्थ में हैं न्यू बॉय एंड उसके बाद है यतेंद्र सिंह रावत जी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द फास्टेस्ट कमेंट. आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी हम लोग मिलते रहेंगे डेली रात को 9 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से निकालती अच्छा मुझे की तरफ से नमस्ते 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 एंड जय हिंद अच्छा भारत.